हेलो दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास ये IFB की MCU है, मोटर कंट्रोल यूनिट। आज इसको रिपेयर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे ये कैसे काम करता है। ये छोटा सा बोर्ड है लेकिन ये कॉस्टली होता है। इस बोर्ड में SMPS पावर सप्लाई है इसको ऑपरेट करने के लिए, और ये माइक्रो कंट्रोलर है जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के लिए, और दो रिले और एक BTS16 है जो आउटपुट के लिए मोटर को सप्लाई मिलेगी, इनके थ्रू मिलेगी। और ये यूनिवर्सल मोटर के लिए बना हुआ है ये बोर्ड। इस बोर्ड के थ्रू ही पिन और ड्रायर दोनों मोड पे काम करेगी मोटर। तो चलिए चेक करते हैं, शुरू करते हैं। किसी भी PCB बोर्ड को रिपेयर करना कोई कठिन बात नहीं होती। सबसे पहले उस पर स्टडी कर लें, इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सी पिन आउटपुट की हैं और कौन सी इनपुट। और जैसे हमें इसको चेक करना है इसी सप्लाई दे के, पहले हम चेक करेंगे AC इनपुट के लिए कौन सी हैं पिंस, और AC से DC जो डायोड करेंगे वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, कौन कौन सा डायोड है। विदाउट सप्लाई दिए पहले चेक करेंगे, तो SMPS पावर सप्लाई से शुरू करेंगे, पहले डायोड चेक करेंगे कोई शॉर्ट तो नहीं, फिर आगे चेक करेंगे जो STR IC लगा हुआ है इसमें वो तो शॉर्ट नहीं, और कोई कैपेसिटर वगैरह तो ख़राब नहीं। इसमें चार डायोड यूज़ किए गए हैं ब्रिज के लिए जो AC से DC करेंगे, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। इसमें डायोड से पहले ये 220 ओम की रेजिस्टेंस है जो इनपुट सप्लाई के लिए लगी हुई है, और जहाँ पे एक कपलर लगा हुआ है AC फ्रीक्वेंसी के लिए जो माइक्रो कंट्रोलर को जाएगी। ये दो डायोड हैं और ये दो डायोड हैं ब्रिज के लिए। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस रेंज में रख के पहले ये 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी है इसको चेक करेंगे, ओपन तो नहीं, ये ठीक है। साथ ही में 100K की लगी है उसको भी चेक कर लेना जो कपलर को सप्लाई देती है। और अब ये ब्रिज के लिए जो डायोड लगे हैं इनको चेक करेंगे कुछ शॉर्ट तो नहीं, डायोड रेंज में मीटर को रख के। ये पॉजिटिव साइड के ओके हैं, जो नेगेटिव साइड के चेक करेंगे। ये दोनों भी ठीक हैं, ओके हैं। हम ये कैपेसिटर भी चेक करेंगे चोट तो नहीं, ओके है। अब ये ड्रेन और सोर्स को चेक करेंगे, STR का है जो उस पर डायोड की कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ये आ रही है ओके है, ये भी शॉर्ट नहीं है। पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये BTS16 लगा हुआ है ये भी ठीक है, ये भी शॉर्ट नहीं है। ये मोटर की फील्ड होती हैं जो इसके थ्रू उसको करंट मिलता है, वोल्टेज मिलते हैं। अब इसको हम मेन AC पावर देंगे पहले और चेक करेंगे वोल्टेज आउटपुट के लिए। ज़्यादातर PCB में 5 और 24 वोल्ट की आउटपुट होती है,
इसमें भी 5 और 24 की ही आउटपुट होगी, क्योंकि 5 वोल्ट है जो माइक्रो कंट्रोलर को अपडेट करने के लिए और 24 वोल्ट रिले को ऑन करने के लिए। ये ऐसी इनपुट लगा दी है हमने। ये कैपेसिटर जो लगा होता है उस पे 320 वोल्ट आ रहे हैं, 320। और आगे ये चेक करने के लिए जो कैपेसिटर लगे हैं आउटपुट पे, उन पे हम वोल्ट चेक करेंगे आउटपुट के लिए। चौबीस वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, और 5 वोल्ट भी ठीक आ रहे हैं। दोनों सप्लाईज ओके हैं। इस बोर्ड में जो SMPS पावर सप्लाई है वो ओके है। जो प्रॉब्लम है वो आगे की जो कंट्रोल बोर्ड है, माइक्रो इनपुट आउटपुट के बीच में जो पार्ट्स लगे हैं उनमें से कुछ खराब हो सकता है। इस बोर्ड में मोटर के 3 आउटपुट हैं और एक इनपुट है टेको टेको कोयल का इनपुट सिग्नल होता है जो मोटर के RPM तय करता है। यदि वो ख़राब हो जाए या उससे रिलेटेड कोई पार्ट्स ख़राब हो तो मोटर नहीं चलेगी। इस PCB में जो इनपुट सिग्नल के लिए है वो रजिस्टेंस हैं वो चेक करेंगे पहले। जहाँ पे 47K की डिस्टेंस लगी हुई है लेकिन उसकी वैल्यू मेगा ओम में आ रही है। जो मोटर एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल होता है वो ओपन हो चुकी है रेजिस्टेंस। जो 47K की है और ये ओपन हो चुकी है, इसको रिप्लेस करेंगे। उससे पहले आगे और टेस्टिंग कर लें। जहाँ पे 100K की रेजिस्टेंस है वो भी ओपन हो चुकी है, जिसकी वैल्यू मेगा ओम में शो हो रही है। इसको भी रिप्लेस करेंगे। जी 100K की है। और ये भी सिग्नल इनपुट के लिए लगी हुई है, जो माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल इनपुट होता है। ये रेजिस्टेंस से मॉइस्चर के कारण खराब हुई होंगी। बाकी की रेजिस्टेंस हैं ठीक हैं लगभग। एक जहाँ पे 47 की एक और रेजिस्टेंस है जो ओपन हो चुकी है, दो पहले और एक ये तीसरी है, 3 रेजिस्टेंस हैं ओपन है इसमें। ये तीनों सिग्नल इनपुट के लिए हैं। यदि ये ओपन होगी तो PCB को सिग्नल नहीं मिलेगा और ये वर्क नहीं करेंगी। इसी तरह सारे पार्ट चेक कर लेंगे और सारे की सारी रजिस्टर से चेक कर लेंगे।
वैल्यूज 100K की है, 100K की वैल्यू सही आ रही है, और ये वाली हमारी एक ओपन है 47K की। अब ये रजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, जो जो ओपन है वो सारी हम रिप्लेस करेंगे। मेरे पास SMD रजिस्टेंस अभी नहीं है, जेकर पुराने किसी से निकाल कर भी लगाएंगे तो वो बात नहीं बनेगी, इसीलिए इसकी जगह हम ये माउंटेन रजिस्टेंस लगा देंगे। ये 47K की रजिस्टेंस है जो हाफ वाट की है, और यहाँ पे भी हम 47K की रजिस्टेंस हाफ वाट ही लगाएंगे। जहाँ पे क्वार्टर वाट लगा लें या हाफ वाट लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ये तीनों के तीनों हम रिप्लेस कर देंगे। ये दो तो लग गई हैं, और बड़े ध्यान से लगानी है ताकि जो कोई प्रिंट आपस में शॉर्ट ना हो जाए। अब ये एक और है 100K की, इसको भी रिप्लेस करेंगे। ये क्वार्टर वाट में है मेरे पास, ये तीनों रजिस्टेंस हमने लगा लिए हैं। अब बाकी के पार्ट चेक करेंगे जो अभी पेंडिंग रह गए थे। कुछ रजिस्टेंस हैं जो रह गई थी वो भी चेक कर लेंगे। ये 10K की हैं जो आउटपुट के लिए लगी हुई हैं, ट्रांजिस्टर भी जो रिले को अपडेट कराती हैं। जी 100K और 47K की सभी ठीक हैं। मल्टीमीटर को डायोड रेंज में रख के ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। ये वाला ट्रांजिस्टर जो चेक कर रहे हैं ये NPN है, और ये ठीक है। और जहाँ पे रिले को ऑपरेट कराने के लिए लगा हुआ ये PNP है, ये भी ठीक है। और ये भी रिले को ऑपरेट कराने के लिए PNP है, ये भी ओके है। और ये लास्ट JVPNP है, ये भी ओके है। ट्रांजिस्टर भी चेक हो गए हैं, रजिस्टेंस सभी चेक हो गई हैं। इस तरफ ये कैपेसिटर के पास तो डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड सिंपल डायोड है। और ये चेक कर रहे हैं ये 5V का डायोड जीनो डायोड है, ये डायोड रेंज में चेक करेंगे सही है ओके हैं। और ये 41-48 41-48 ये डायोड रेंज में चेक करेंगे, ये सारे ठीक हैं। और जहाँ लेक के पैरेलल में लगे होते हैं 41-48 लगे हुए यहाँ पे, ये देखने में जो इसका कलर चेंज हो गया है, ये इन फ्यूचर ख़राब हो जाएंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। इसकी जगह हम IN4007 लगाएंगे, दोनों के दोनों। इन दोनों रिले का जो नेगेटिव है वो कॉमन है, और पॉजिटिव ट्रांजिस्टर के थ्रू मिल रही है, जो PNP ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये डायोड भी हमने चेंज कर लिए हैं। अभी ये माइक्रो कंट्रोलर IC है, इसके पिन्स हैं जो उन पे
कार्बन है वो भी हम हटा देंगे, साफ कर देंगे इसको। और अब बाकी के पेंडिंग जो है वो चेक करते हैं पार्ट्स। यहाँ पे एक 817 कपलर लगा हुआ है, उस पर हम वोल्ट चेक करेंगे। एक तरफ जो आउटपुट के एरिए में है 2.7 आ रहे हैं, वो ठीक हैं, आउटपुट सही दे रहा है। ये फ्रीक्वेंसी लेकर जाता है माइक्रो कंट्रोलर पे 100 हर्ट्ज़। जिस सर्किट में एसी रेगुलेट करने के लिए सेक्शन बना हो, जैसे इसमें BTS16 लगा हुआ है जो रेगुलेट करके फील्ड को रेगुलेट करंट देगा, उस सर्किट में एसी इनपुट फ्रीक्वेंसी माइक्रो कंट्रोलर को चाहिए होती है। इसमें जैसे ये 817 कपलर लगाया हुआ है, कुछ सर्किट में ट्रांसफरों की सप्लाई होती है जैसे 909 या 1212, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू सीधी मिल जाती है फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे ऑटो कपलर है MOC3021, ये BTS16 को ड्राइव देता है, ये भी चेक कर लेते हैं। ये चेक करना आसान है, कोई भी कपलर आप मीटर से चेक कर सकते हैं। एक और दो नंबर पे डायोड की रेंज आएगी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, और जिसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 417 ओम की, ये भी चेक कर लेते हैं, ये ओके है। और आउटपुट के लिए 4 और 6 नंबर पिन है, वो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए आपस में, वो ठीक है, शॉर्ट नहीं है। ये लगभग सारा सर्किट हमने चेक कर लिया है। अब जो वोल्टेज रह गए हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे, क्रिस्टल लगा है यहाँ पे, उसकी दोनों पिन पर वोल्टेज चेक करेंगे। ये 2 से 2.5 आने चाहिए, ये ठीक आ रहे हैं, इसका मीनिंग माइक्रो कंट्रोलर ओके है और PCB ओके हो चुकी है, लगाने के लिए तैयार है। दोस्तों, जेकर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।